हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज मैं और मम्मा जा रहे हैं मामू के घर, उनके घर है सत्संग। हम लेट हो चुके हैं, इसलिए हम भाग रहे हैं अभी वहाँ पे, दौड़ने लगे हैं। चलो चलो। कल आपका बर्थडे भी है फिर? हाँ, कल मम्मी का बर्थडे है गाइस। बर्थडे नहीं, बुड्ढा डे। कितने सालों के हो जाओगे मामा? नाम तो नहीं होता, 16। अभी तो 16 साल लगा। मम्मी, वैसे कल मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम। आज तो अभी मम्मी को भी नींद आ रही है, हमें भी नींद आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं तो लगी गड़म होने। गुड नाइट कर दो फिर, वॉशरूम जा रही हूँ। अभी बज रहे हैं 12 और मम्मा का बर्थडे। हमने 2 केक लाए हैं और मम्मा सो गए हुए हैं। हमने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कुछ भी नहीं है मम्मा के लिए, और हम कल सेलिब्रेट करेंगे। मम्मा सो गए हैं, अभी मैं आई हूँ केक्स लेने और मम्मा को उठाते हैं। ये है मम्मा का गिफ्ट, ये है मम्मा के 2 केक। खोल के चलते हैं। वो 2 है ना, हैप्पी बर्थडे, एक निकाल के इसमें डाल दो। हाँ देखा, चलो वही है। चलो लेट्स गो। टू यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका गिफ्ट भी आया है गाइस। किसने लाया? थैंक यू। चलो उठो, केक भी काटना है। ओ, कैंडल रहेगी, आई मैं लेके पापा। नहीं नहीं लाई ना हमने, हमारी कैंडल्स तो ली और पापा ने मम्मा के लिए चॉकलेट खिलाया है। माचिस तो रहेगी, माचिस तो होगी भी नहीं शायद। मिलकी मिलकी मिलकी। वो मेरे पोते पोती है, वो मेरे पोते पोती है 74 साल में। बट बस कितना प्यारा ना, खोल रहा है नहीं, हमने खोल दिया पक्का। पक्का अच्छा है, हैं? मम्मा खुद ही उठ गए थे, पापा आपने उठाया था। ओ बजी ये गाना। चलो जी। टू यू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये दोनों बच्चों को मिल गया। थैंक यू। कौन सा काटी? इसे वाला फूल। Happy birthday, happy birthday to you. Hmm.
खाओ खाओ बाबा, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, हाँ ज्यादा नहीं। क्रीम खाने के लिए नहीं देना हमने, क्रीम लगा दी मेरे मुंह, खाने के लिए नहीं देना हमने। ये वाला भी मार दो थोड़ा कट। दो दो केक हैं। थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा निकालो, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करते ही इतना ज्यादा। ऐसे ही खिला दो। मैं क्रीम लगाऊं तो इसका बर्थडे होता है, बस उसी को लगाई जाती है, वो हो जाएगा क्रीमी क्रीमी। बस बस मम्मा, खाया भी आज हमने, बस बस इतना ही, इतना ही खा सकते हो आप आपके बर्थडे पे। हमारी बर्थडे गर्ल, बर्थडे गर्ल, हमारा पेपर बॉय, इनका पेपर है। मम्मा यहाँ पे तैयारी कर रही हैं। मम्मा का ये गिफ्ट, गिफ्ट मम्मा का ये, मम्मा का गिफ्ट है जो कि बहुत सुंदर है। चलो पापा जी आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज है हमारी मम्मा का बर्थडे, रात को हमने थोड़ा सा सेलिब्रेट करा था। और अभी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, क्योंकि राघव्य का एग्ज़ाम था, तो वो बोलते आप भी वहाँ पे आ जाना, मम्मा भी होंगे, क्योंकि आज मम्मा ऑफ़ नहीं ले सकते थे, तो इसलिए मैं भी जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। अभी मैं आई थी पुराने वाले घर पे, अपने अपने घर पे आई थी, मतलब थोड़ा काम था मुझे इसलिए। और अभी मुझे पापा छोड़ देंगे यूनिवर्सिटी, फिर हम थोड़ा वहाँ पर खाएँगे पियेंगे और मैं और राघव्य आ जाएंगे घर पर। तो मैं सिस्टर ब्लॉग बनाती हूँ आज का भी, मम्मा का बर्थडे का, और चलते हैं यूनिवर्सिटी। बाय, अब मैं आऊंगी मंडे को। हर बार यही सोचती हूँ, पर बीच में एक चक्कर दो घंटे का लगा ही। साथ खाना खा, ये आगे हैं अपना एग्जाम देके। पोजीशन है, पोजीशन है, पोजीशन है, रिजल्ट भी दिखाना किसी को, रिजल्ट भी दिखाना किसी को, पोजीशन पहले ही है। ठीक है, मैं भी तब पहुंच गया, मैं भी उधर ही है। ये क्या काम किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, टक्करों के नीचे था। कोई बात नहीं, कल चेंज कर देंगे। आज हमारी पार्टी हो रही है, बाहर जाने का दिल नहीं था तो हमने घर पर ही आज हमारी पार्टी बन रही है। तो आज मम्मा का बर्थडे था, हमने डिनर वगैरह करके गप्पे गुप्पे मार के अब हम सोने लगे थे। मम्मा सोने लगे थे, मैं तो लेट ही सोती। तो मम्मा को आज हैप्पी बर्थडे विश कर दें आप सब, है ना मम्मा? थैंक यू, सबने जिसने विश किया सबको थैंक यू। हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पर बड़े लोगों ने मम्मा मैसेजेस किए थे, और मेरे सारे कुलीग्स ने भी मेरे से बड़े अच्छे से विश किया मेरे को, सबको थैंक यू, सबको थैंक यू सर, और इसको लव यू। रात को हमारे साथ मेरा तो मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए रात, अभी और भी हमने बड़ा कुछ सोचा था, वैसा हुआ नहीं, क्योंकि आज फिर हमें
यूनिवर्सिटी जाना पड़ा ना, वरना प्लानिंग कुछ और ही थी, बट कोई बात नहीं, जो भी अगले बर्थडे पे करवाएंगे, अगले बर्थडे पे करवाएंगे गाइस, गॉड ब्लेस यू सबको। आज पता मम्मा मेरे को क्या ध्यान आ रहा था, आगे आपके बर्थडे पे ईश्वरी नहीं शायद पिछली बार ही हम लोग बाहर गए थे, तब सारे मुझे ना शादी से पहले, तब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, इंगेजमेंट शायद नहीं हुई थी या होगी थी पता नहीं, हो गई थी जब मरासिम में गए थे, हाँ हो गई हुई थी, तो तब सारे हंसते थे ऐसे कि अभी नया नया ही प्यार है, शादी के बाद जब चेंज हो जाएगी मम्मी तब तेरे को पता चलेगा, तब सब ऐसे करते थे, बट सच बोलते थे मम्मी चेंज हो गई है, मम्मी को और ज्यादा प्यार हो गया मेरे से, मुझे बड़ा प्यार हो गया मेरे बच्चे, सब बोलते थे कि एक दो महीना ही होता है, सारे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मम्मा और अच्छे हो गए हैं, और ज्यादा चेंज हो गए हैं, और हमें नजर ना लगे ऐसा ही प्यार बना रहे, लव यू, और आप हमेशा ऐसे ही रहो, इतना ही प्यार करो, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग रहो, और मम्मा ने कभी भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं है, हमेशा मतलब मेरा ओपिनियन मम्मा के लिए बड़ा मैटर करता है कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी क्या प्रेफरेंस है, मैं किस तरह से खाती हूँ रहती हूँ, मतलब हर एक चीज़ में ये हर कोई नहीं करता है इवन, बट मम्मा ने बहुत किया है, मम्मा ने मेरे को सास की तरह भी नहीं, माँ की तरह भी नहीं, एक दोस्त की तरह रखा हुआ है, दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, हाँ मैं भी, मुझे भी अगर कोई चीज़ की ओपिनियन लेना हो, कोई चीज़ की सजेशन लेनी हो, या कोई भी बात पेट में पच नहीं रही है, तो मैं शायद निशा मम्मा को नहीं कॉल करती हूँ, मम्मा को ही कॉल करती हूँ, मेरा फर्स्ट गो टू पर्सन कन्नू भी नहीं होता है, मम्मा होते हैं, तो हमारा ऐसा ही बॉन्ड बना रहे, और हम हर साल मम्मी का ऐसा ही बर्थडे मनाए, चलो अब गुड नाइट कर दो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, राधे राधे, राधा राधे।